जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू जो है दो छोटे छोटे स्पीकर, लेकिन गाइस काफी धमाकेदार है ये और उसका जो साउंड है वो भी काफी यहाँ पे लाउड है। अगर बात करें यहाँ पे साइज की तो काफी कॉम्पैक्ट साइज में मिलता है, सिर्फ इतने वाले साइज में मिल जाता है गाइस, बिलीव मी धमाकेदार है ये। सो गाइस देखेंगे इसका साउंड कैसा है और क्या आप इसे परचेस कर सकते हैं नहीं। और हाँ, इससे पहले हमने और एक वीडियो बनाया था जो था JBL मिनी। सो गाइस इसका ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड जो है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों हमने ये परचेस किया है फ्रॉम गैजेट 360 अब इंस्टाग्राम सेलर से और ये काफ़ी ट्रस्टेड है, परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो दोस्तों ये है JBL बेस बूस्ट, आगे जो हमने वीडियो बनाया था वो यहाँ पे मिनी का था और गाइज ये थोड़ा एडवांस वर्जन है, 100 रुपीज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे दो स्पीकर के अंदर, लेकिन गाइज ये कम्प्लीटली पैसा वसूल है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो वॉइस है वो कंट्रोल कर सकते हो, रिमोट कैमरा या तो फिर आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है। गाइज दिस इज़ अमेजिंग। तो अनबॉक्सिंग में तो गाइज कुछ भी है नहीं, ऐसे डायरेक्ट ही यहाँ पे ओपन करना रहता है, यहाँ पे कुछ टैप वैप कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है हमें। और यहाँ पे एक फिर से JBL का ब्रांडिंग दिख जाता है और निकाल देते हैं उसको कुछ इस तरीके से। निकल जा भाई, निकल जा सिम, अरे निकलता ही नहीं है, बहुत मेहनत का काम है भाई, लगता है अंदर खोल के निकलना पड़ेगा। ठीक है, इंद्र से ओ तेरी गिर गया भाई ये। ठीक है चलो, दूसरा वाला यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपन, तो ये भी यहाँ पे निकल देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर देते हैं और पीछे से थोड़ा सा ऐसा पुश करना है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्पीकर। अगर बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की तो गाइस जैसे आपने आगे आवाज़ सुना, कम्प्लीटली मेटल का है ये। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है और यहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए उसका स्लॉट मिल जाता है और काफ़ी सारे गाइस यहाँ पे आपको बटन मिल जाते हैं जो JBL मिनी में नहीं थे, जैसे कि ये पावर बटन है और यहाँ पे है वॉल्यूम कंट्रोल और आप यहाँ से जो ट्रैक है वो भी गाइस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी कमाल की यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी है और काफ़ी मीन्स टाइनी सा यहाँ पे आपको स्पीकर है, एकदम कॉम्पैक्ट है, आप जेब के अंदर भी इजीली इसे कैरी कर सकते हो। तो कहाँ गया हमारा दूसरा स्पीकर, तो ये है हमारे पास साइड बाय साइड, दोनों आइडेंटिकल है। तो देखते हैं इसे कैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रेस कर लेते हैं, ओ एलईडी लाइट भी ये गाइज यहाँ पे है, वाओ। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये पेयर हो गया और ये चला गया सर्चिंग मोड के अंदर। जी हाँ गाइज, तो यहाँ पे स्टेबल हो गया, ये एलईडी जो ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, यानी ये दोनों पेयर हो गए और यहाँ पे आपको पेयर करने के लिए आपको और एक मोबाइल चाहिए। जी हाँ गाइज, तो हमारे पास बहुत सारे मोबाइल है, तो ये रहा हमारा मोबाइल, यहाँ पे हम जाते हैं ब्लूटूथ के अंदर और पेयर न्यू डिवाइस यहाँ पे कर देते हैं और देखते हैं। तो ये आ जाएगा आपको L3, तो यहाँ पे आपको टैप करना है L3 के ऊपर और ये हो गया अलाउ पेयर एंड दैट्स इट, ये हो गया कनेक्ट, यानी कि दोनों की अभी LED लाइट जो है गाइस वो हो गई है स्टेबल। सो ये दोनों कनेक्ट हो गए एक दूसरे से और हमारे मोबाइल से भी, वाओ। और यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कॉन्टैक्ट शेयरिंग जो है उसका भी यहाँ पे अलाउ करना है परमिशन, ठीक है। तो काफ़ी इजी इसको पेयर करना है। तो गाइस देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो देखने में तो गाइस काफ़ी खूबसूरत है, मींस लड़की के जैसा खूबसूरत नहीं पर सुपरली यहाँ पे मींस क्राफ्टेड जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अपग्रेडेड है। जो JBL मिनी था वो काफ़ी सिंपल था, ऐसा मीन्स यहाँ पे ग्लोसी जो लुक है वो नहीं था, यहाँ पे LED लाइट नहीं था, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल के वो भी नहीं थे और आपको जो मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है यहाँ पे वो भी नहीं था JBL मिनी में। तो गाइज ये काफ़ी अपडेटेड वर्जन है और स्माइल तो नहीं जो साइज़ है गाइज वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, सेम एज ओरिजिनल। तो देखते हैं ये कैसा भी साउंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है हमारे मोबाइल से और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सॉन्ग जो है वो भी आ गया है। तो यहाँ पे जब बटन को प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे जो सॉन्ग है उसे प्ले या तो फिर पॉज कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ एनी स्पीकर। जी हाँ गाइस, दोनों में से आप कोई भी स्पीकर से इसे परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज अमेजिंग। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पे जो साउंड है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप जो साउंड है वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो।
तो ये साउंड जो है वो चेंज कर देगा और ये इंक्रीज कर देगा। और हाँ, अगर आप इसे कंटिन्यूस प्रेस करके रखते हो तो गाइज यहाँ पे जो सॉन्ग है वो भी चेंज हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे जो सॉन्ग है वो भी चेंज हो जाएगा। तो गाइज धमाल के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और जैसे हमने आगे बताया कि अगर आप कोई भी एक जो स्पीकर इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हो तो आप यहाँ पे दोनों के अंदर जो सॉन्ग है उसको प्ले कर सकते हो। तो गाइज फंक्शनैलिटी जो है गाइज धमाल है। दोस्तों अब हम यहाँ पे करने वाला है साउंड टेस्ट। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इसे ईयरफोन या तो फिर हेडफोन्स के अंदर ही प्ले कीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जो बेस की क्वालिटी है और साउंड वो परफेक्ट यहाँ पे पता चल सके और आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाए कि 100% वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा सा भी डिस्टॉर्ट नहीं करता है। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं ये साउंड टेस्ट। तो माइक निकल गया है। कंक्लूजन में तो भाई मजा आ गया। जी हाँ गाइस, काफी धमाकेदार और काफी बेस बूस्टेड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं छोटू वाले स्पीकर विथ एलईडी विथ माइक्रो एसडी कार्ड विथ यहाँ पे वॉइस कंट्रोल है और आप यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे कॉल आता है तो आप बात भी कर सकते हो और काफी अच्छी बात है, काफी लाउड है और दोनों एक साथ जब आप प्ले करते हो तो काफी मीन सुपर वाला यहाँ पे आपको सराउंड साउंड जो उसका भी यहाँ पे फील आता है। और एक बात, यहाँ पे थोड़ा सा भी जो वॉल्यूम है यानी साउंड है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है एट 100% वॉल्यूम। सो गाइज काफी धमाकेदार यहाँ पे आपको छोटू वाले स्पीकर मिल जाते हैं। और हाँ, इसका परचेज लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।